तो चलिए और हमारे साथ बने रहिए, हम आज आपको दिखाते हैं कि हमारे यहाँ चूर्ण कुमारी स्टेडियम बैठन में कितना अच्छा से प्रोग्राम होता है और सारे स्कूल वाले पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये देखिए सत्या होटल आ चुका है, बस बिलोजी में हम लोग पहुँच चुके हैं, बस थोड़ा ही आगे अपना चूर्ण कुमारी स्टेडियम बस आने वाला है। चलिए बने रहिए, ठीक है। और ये देखिए बैंक है, यहाँ पे दो तीन बैंक है, ठीक है। बैंक हम पार कर चुके हैं और बस थोड़ा ही आगे अपना चूर्ण कुमारी स्टेडियम है। तो हमारे साथ बने रहिए, हम आज आप दिखाते हैं कि किस तरह से प्रोग्राम होता है अपने। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग चूर्ण कुमारी स्टेडियम बैठन पहुँचने वाले हैं और आज आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से अपने यहाँ स्टेडियम में प्रोग्राम होता है। तो चलिए आज हम पहुँचने वाले हैं, ये अपना स्टेडियम आ चुका है। ये देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं, अभी पहुँचने वाले हैं जस्ट, ठीक है। इतना सारा चहल पहल मचा हुआ है अपने यहाँ, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने ब्लॉग के साथ बने रहिए, ये स्टेडियम है, ठीक है। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा ताकि इसी तरह से हम आपको नॉलेज देते रहें। डन करके लाना है ना। तो ये देखिए हम लोग स्टेडियम में आ चुके हैं अभी, ठीक है। अपना चूर्ण कुमारी स्टेडियम आ चुका है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। ब्लॉग के साथ बने रहिए, आपको पूरा दिखाते हैं अंदर कैसे किस तरह से प्रोग्राम हो रहा है अपने यहाँ, ठीक है। कितना भीड़ भाड़ है, ये है ना, ये ना डाला कहाँ थे। तो चलिए और आप ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए हमारे, ठीक है। और आज आपको पूरा हम दिखाते हैं कि किस तरह से हमारे चूर्ण कुमारी स्टेडियम में प्रोग्राम होता है हमारे यहाँ बैठन सिंगरौली में, ठीक है। तो चलिए और ब्लॉग के साथ बने रहिए, ये देखिए कितनी चहल पहल मची हुई है, ठीक है, आप देख सकते हैं। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने अपनी बाइक को पार्क कर लिया है, ठीक है, ये हमने अपनी बाइक को पार्क कर लिया है, ठीक है। और चलिए हम फिर चलते हैं आगे, ठीक है, चलिए आगे आपको दिखाते हैं पूरा ब्लॉग, ठीक है। जैसा कि हम लोग अभी चूर्ण कुमारी स्टेडियम पहुँच चुके हैं, ठीक है। और ये है रवि मेरे साथ, ठीक है, रवि मेरे साथ है और ये अपना चूर्ण कुमारी स्टेडियम है, चलो अंदर हम दिखा देते हैं, ठीक है, चलो। ये चूर्ण कुमारी स्टेडियम हम लोग पहुँच चुके हैं, ठीक है। और अंदर आपको ले चलते हैं, अंदर दिखाते हैं, ठीक है, किस तरह से प्रोग्राम चल रहा है। तो चलिए कंटिन्यू रखते हैं ब्लॉग के साथ। अभी ब्लॉग में बने रहिए और हम लोग चूर्ण कुमारी स्टेडियम में आ चुके हैं, अंदर आप देख रहे हैं जिस तरह से कितनी सारी भीड़ है, ठीक है। ये है श्याम, ठीक है, हेलो, हाय, हमारे फ्रेंड हैं, ठीक है। और ये रवि है जो कि हमारे साथ आए हैं, ठीक है, ओके। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस तरह से कार्यक्रम चल रहा है अभी चूर्ण कुमारी स्टेडियम में बैठन। ओके, आया चलो परी दी बैठे परी चलो आओ चलिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ प्रोग्राम चल रहा है, देख रहे हैं बच्चे डांस परफॉर्मेंस कर रहे हैं अच्छी तरह से और इतनी भीड़ भाड़ इतने सारे लोग हैं, ठीक है, जो कि इस प्रोग्राम को देखने आए हैं, जो कि आप खुद देख सकते हैं,
इतनी भारी संख्या में भीड़ है यहाँ पे, लाखों की तादाद में लोग क्या है इस प्रोग्राम में शामिल होकर आनंदित हो रहे हैं, ठीक है, और देख रहे हैं कि हमारे देश के जो छोटे छोटे बच्चे हैं कितने कितना अच्छा प्रोग्राम दिखा रहे हैं, ठीक है, टैलेंट दिखा रहे हैं अपना अपना, ठीक है, चाहे डांस में हो चाहे किसी और क्षेत्र में हो, कितना अच्छा अपना अपना टैलेंट सब दिखा रहे हैं, ठीक है बच्चे। तो आप भी देखिए, ब्लॉग के साथ बने रहिए और आगे चलिए ब्लॉग के साथ। सबका विकास हो, हम सब साथ साथ चले, सब शिक्षा अभियान पर आधारित। दोनों जो राइडर है और जो सवार है वो भी हेलमेट लगाएंगे, बहुत ही खूबसूरत अंदाजा कहना पड़ेगा। हेलमेट सर पर है तो सुरक्षित आपकी जान है, हेलमेट समस्या नहीं बल्कि समाधान है। और दोस्तों जैसे मूर्खों के बाद गाड़ी शोभा नहीं देती, ऐसे हेलमेट बिना गाड़ी भी शोभा नहीं देती। तालियां बजती रहनी चाहिए देवी सजो। और मध्य प्रदेश सरकार के सबसे महत्वाकांक्षी योजना हैंडबिल लगाओ पुलिस बुलाओ, जोरदार तालियां देवी सजो। 1 नवंबर 2015 से निरंतर संचालित है, खामोश आप है लेकिन तालियों का साथ मिलता रहना चाहिए देवी सजो। इस योजना अंतर्गत खूबसूरत Yeah.
तथा समस्त सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाती है। पति पत्नी तथा घरेलू विवादों का एक ही स्थान पर समझाए से समझौता कराने का कार्य किया जाता है। यदि महिला समझौता से परिवार में शांति नहीं आती है तो उन्हें विधिक सहायता के द्वारा दिया या दर्ज करा के उन्हें न्यायालय द्वारा न्याय दिलाया जाता है। झांसी के प्रथम स्थान में एक पुरुष द्वारा अपनी पत्नी को पीड़ित उसके प्रति हिंसा करते हुए दर्शाया गया है, जबकि चिंता के दुखा रहे हैं जिसमें पुलिस डॉक्टर चिकित्सक डॉक्टर काउंसलर और सलाहकार सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। महिला को रहने के लिए आवास भी तो वहाँ आवास की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। परिवार में समझौता कराने की कोशिश की जाती है, यदि परिवार में समझौता नहीं हो पाता तो केस दर्ज कराकर न्यायिक प्रक्रिया से उसे सजा दिलाने का प्रयास किया जाता है। और यह था कि अभी तक जिले में काउंसलिंग के 486 प्रकरण, 276 DIR दर्ज कराई गई, 213 घरेलू हिंसा के प्रकरण दर्ज कराए गए, 84 महिलाओं को आश्रय दिया गया तथा 59 महिलाओं को विभिन्न सहायता उपलब्ध कराई गई। धन्यवाद। देवियों से सुनो, महिला बाल विकास के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए, दिल से इस्तकबाल होना चाहिए। ये हम बढ़ाते रहे और आइए अब हम स्वागत करते हैं। Thank you.